नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामायण डायरेक्ट बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल माध्यम लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, सीएसपी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो समय समय पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसपी पोर्टल पर होने वाले कुछ बदलाव को लेके, जो कि हमारा सबसे बड़ा बदलाव हुआ अकाउंट ओपन को लेके। इसके पीछे मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जैसे आपको बताया था कि कुछ समय पहले सिस्टम पर ये देखने को मिला था कि मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन मांग रहा था। यहाँ पर हम कोई भी अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, और जब भी हम मोबाइल उसका ईकेवाईसी सर्टिफिकेट निकाल के ईकेवाईसी नंबर मोबाइल नंबर डालते हैं तो इस तरीके से उस पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको ज़्यादा समय अकाउंट खोलने में ना लगे, और अगर कोई भी एरर आता है तो उसे कैसे सॉल्व करें और किस तरीके से आपको मैसेज भेजना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए जिसमें क्या क्या आपको इसमें करना है। जैसे कि सी एस पी आउटलेट पर खाता खोलने के लिए ग्राहक को सबसे पहले क्या करना होगा, एस बी आई की तरफ से आपको एक SMS प्राप्त होगा। जैसे कि ग्राहक को एक SMS प्राप्त होगा जो 6 अंकों का OTP होगा। OTP पे क्या करना है, जब आप उसका SMS चेक करेंगे या ग्राहक से तो उस पर OTP आ रहा होगा, उस आपको कस्टमर के मोबाइल पे ही, मतलब कि कस्टमर को अपने मोबाइल के द्वारा ही उस OTP को सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, OTP निर्धारित प्रारूप में 8655719440 पर भेजे, SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजा जाएगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर का ये हो गया कि जो भी ग्राहक ने मोबाइल नंबर अकाउंट खोलने पे दिया हुआ है उसी के द्वारा आपको मैसेज भेजना है। और मैसेज ऐसा होता है, कभी कभी मोबाइल में 2 SIM पड़ी होती हैं और हम करते क्या हैं, कहता उसने मोबाइल नंबर आपका दूसरी सिम का दे दिया और जो वो SMS भेज रहा है वो दूसरी सिम से भेज रहा होगा, तो वहाँ पर वो वेरीफाई नहीं करेगा तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो भी कस्टमर अपना अकाउंट नंबर दे रहा है अकाउंट ओपन करने के लिए, उसी नंबर से आप जब उसके नंबर पर OTP आ जाएगा तो उसके लिए आपको टैप करना है FIGS, कैपिटल लेटर में आपको टैप करना है FIGS, ठीक है। FIGS टैप करने के बाद एक स्पेस देना है, सिंगल स्पेस देना है, डबल स्पेस नहीं देना है, सिंगल स्पेस देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसमें जो OTP आया 6 डिजिट का, तो FIGS कैपिटल लेटर में स्पेस और जो 6 अंकों का OTP है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेंड करना है 8655719440, जो कि उस मैसेज में भी ये दर्शाया जाएगा कि इस नंबर पे आपको सेंड करना है, तो उस मैसेज में जो नंबर दिया उसी पे आपको सेंड करना है। तो जैसे कि अभी जो नंबर शो कर रहे हैं तो वो ये नंबर है 8655719440, इस नंबर पे जो है मैसेज को सेंड कर देना उसी सिम के द्वारा, जिस सिम का उस नंबर के द्वारा जो नंबर खाते खोलने में दिया जा रहा है। और उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो सिम रिचार्ज होनी चाहिए और उसमें SMS पैक की सुविधा होनी चाहिए। यदि उसमें SMS पैक उसके ख़त्म हो गए होंगे तो भी उसमें OTP नहीं आएगा, और तो उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका SMS का चार्ज कट रहा है कि नहीं कटा, क्योंकि ये फ्री में मैसेज नहीं जाता है, ये SMS का चार्ज काटता है। तो इसके लिए अगर उसमें SMS पैक नहीं होगा, SMS नहीं जाएगा उसमें, तो आप उसमें परेशान होंगे और कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आगे प्रोसेस नहीं कर देगा। और जैसे ही ये उसका वहाँ से सक्सेस होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको FIGS मतलब कस्टमर के द्वारा FIGS OTP सेंड टू इस मोबाइल नंबर पे सेंड करना है। कुछ देर के बाद स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपने आप सबमिट के लिए मांगेगी, आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है इतना टैप करके, और कुछ दिन बाद जो स्क्रीन पर वेरीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होगा वो कम्प्लीट होगा और सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही सबमिट का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जिस तरीके से पहले अकाउंट ओपन फॉर्म खुल के आ जाता था हमारे सामने, उसी तरीके से अकाउंट ओपन फॉर्म आ जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।